हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते वन, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इसमें जाने वाले हैं जो मेरे बाइक डोमिनार है उसका सेकंड सर्विस है, उसको कराने के लिए। उसके किलोमीटर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो जितने मंथ्स होने थे, जितने मंथ मुझे कराना था वो टाइम आ चुका है। तो और लॉकडाउन की वजह से उतना चला नहीं है क्योंकि सेकंड वेव आ गया था, और अभी भी वर्क फ्रॉम होम है तो वीकेंड्स में ही बाहर निकलता है और कहीं जाने का उतना होता नहीं है, तो इसलिए इसके उतने किलोमीटर्स नहीं हुए। आई थिंक 2000 अराउंड चला हुआ है। मैं अभी शो करूंगा बाइक पे और बस यही है। तो टाइम हो चुका है तो इसको सर्विस करना जरूरी है। और मैं बहुत टाइम से सोचा था कि चैन लूप कराऊं क्योंकि मैंने काफी राइड किया, मथुरा राइड किया और दो तीन जगह और राइड किया मैंने यहाँ पे, तो फिर उसमें मैंने चैन लूप वगैरह तो नहीं कराया। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि सही है सर्विस करा लेना, सेकेंड सर्विस। जो इसका लिक्विड कूलिंग है उसमें जो लिक्विड होता है वो भी कम हो चुका है, तो उसमें फिल कराना है और चैन लूप वगैरह भी सब सही हो जाएगा, यही मैं सोचने वाला हूँ। और इस वीडियो को मैं फोन से बना रहा हूँ, ये फोन का यूज कर रहा हूँ मैं, और GoPro से होगा बाइक पे, तो यही मैं दो डिवाइस यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं, बाइक पे मिलता हूँ मैं। बस यार यहाँ से जाम ना मिले यार, क्योंकि ये बहुत गंदा होता है और बहुत लंबा वाला जाम होता है यहाँ से, क्योंकि यार बहुत गर्मी हो रही है, मतलब धूप बहुत टाइट हो रही है आज। अभी तो जाम दिख नहीं रहा है। देख रहे हो कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, बिल्कुल भाई साहब सैटरडे को इतना भी क्या भीड़ हो रहा है, सारे बाहर निकल गए क्या सैटरडे को? लहरबाज क्या है इसका? स्कूटी क्या मिलगी भाई, लहरबाजी करने लगा रहे अंधे। दो मिनट पड़े हुए मिलेंगे नीचे। ये थोड़ा लंबा रहने वाला है रेड लाइट, ये ट्रू इंडियंस पन्नी नहीं हटती भाई, आंखें भी नहीं हटाई मैंने तो। मैं पहले खानपुर से ट्राई किया मैंने, लेकिन देखा कि पूरा वो जाम था, वरना मैं उधर से ही जाता, उधर से सही रहता है ओखला साइड, जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ जाने में, पिछले मैं उधर से ही गया था, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा जाम है। और वो अभी मेट्रो की वजह से सिंगल लेन हो चुका है, तो उसमें इसलिए मैं फिर गया नहीं, फिर मैं वापस टर्न आ गया खानपुर से। अभी यहाँ पर निकलते हैं इधर, भाई इसमें ना आपको गैस वर्क करना होता है कि कौन बंदा किधर जाएगा, ये ना सब इंडिकेटर्स नहीं देंगे आपको, पीछे निंजा है क्या, लग तो ऐसे ही रहा है। थोड़ा स्लो रखता हूँ, मॉडिफाई करा रखा है, यस निंजा है। सही यार, मैं भी चेंज करा लूँ क्या, सही लग रहा है वैसे साइलेंसर, अगर मैं भी चेंज करा लिया तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन यार फिर पुलिस वुलिस का रहता है यार, अब सब ना
डमी वाला डला रहे हैं। क्या हो गया इसे? वो बोल रहा है कि भाई रेस लगा, उसने ये बोला मेरे से? नहीं भाई ये सब नहीं, सच में उसने बोला रेस लगा। बहुत ज़्यादा शोर है यार, वो चल रही है 10-20 की स्पीड में और शोर इतना कर रहा है, कितना देर चल रहा है, इतना ज़्यादा लाउड कर रखा है, मतलब कि नॉर्मल डिसेंट सा हो कि यार मेरे स्पीड पे ना वो हो लाउड। ये नहीं कि मैं अगर 10 की स्पीड चल रहा हूँ और वो पूरा दहाड़ रहा है या फिर पुलिस वाले फिर रोकेंगे इसे। ऐसा लग रहा है बहुत ही चला रहा है, आवाज़ तो ऐसी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदा पीछा कर रहा है उसे। ये आई थिंक उससे ही बोलेगा भाई आ जा रेस लगा ले। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये रफ्तार में है उसके इक्वल रफ्तार में है। कि जाम है ना, सही है। मैं पहले ना मैंने जो बाइक लेनी सोची थी तो निंजा और रॉयल एनफील्ड, मैं सोचा अगर स्पोर्ट्स लूँगा तो निंजा चलेगा वरना रॉयल एनफील्ड चलेगा, इन दोनों में चल रहा था। फिर जब मैंने और बाकी टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे KTM भी पसंद आया और बजट में था, ये डोमिनार और अच्छे से सही था, तो मैंने बोला कि सेफ खेलते हैं और फिर मैंने डोमिनार ले लिया। भाई डायरेक्ट मिलते हैं ये ओखला का जाम निकाल के। तो भाई ओखला में एंटर कर चुके हैं इधर और शोरूम की ओर चलते हुए, यही गली थी आई थिंक। यप ये रे भाई पहुंच गया, बंद तो नहीं है ना भाई। ग्रीन डोमिनार खड़ी है एक और, चलो भाई बात करते हैं। तो भाई आ चुके हैं, देखो बाइक लग गई है, एक और डोमिनार खड़ी थी यहाँ पे, तो इसमें भी माउंट्स वगैरह लगे हुए हैं, मतलब ये भी बंदा वीडियो व्लॉगिंग तो करता ही है। और अभी यहाँ पे शोरूम में आ चुका हूँ मैं, अभी एंट्री करानी पड़ेगी, देखता हूँ मैं क्या सीन है उसके बाद। गंदी बहुत हो चुकी है यार ये, देख रहे हो परत बैठी हुई है भाई। ये सब तो ऐसे था ना यार, ये जो लॉक वॉक है एक बार देखना, क्योंकि बिल्कुल ना मेरा यहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो एक बार हल्का सा ना ये टेम्पो में टच हुआ था, ये प्लास्टिक है, ये तो है ना, इससे कुछ बच गया, ये बच गया ना, ये प्लास्टिक बड़ी हार्ड है, अगर कांच की होती तो गया होता। इसमें भी हल्का सा ऐसे, मतलब ये यहाँ पर टच, मतलब ये क्यों नहीं टकरा है, ये टकरा गया, पता नहीं कैसे इतना हाइट में, ये अंदर चला हुआ ना ये बाहर रहेगा, वो ये इतनी चीज ऊंची है। मैं इसके डर था मुझे, एक बार इसको थोड़ा नजर मार लो यार, सही तो है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया, बॉटम तो इस बार नीचे दे रखी है, हां बॉटम इस बार नीचे दे रखी है, उल्टा कर दिया इसको, तभी बच गया है। और यहाँ पे ऐसे बंदे लगवाते हैं ना ताकि ये मिट्टी ना जाए ऐसा कुछ, ये है ना ये लगे हैं दोनों, हाँ हाँ मिट्टी लगेगी तो इन पे ऐसे फैल जाएगी, ये है रोड बच जाते हैं। हाँ अच्छा ये भी तो थोड़ा सा अलग कर दिया, सही है, पहले उल्टी थी
चलो कोई नहीं भाई, मैं चलता हूँ, थैंक यू यार। तो भाई निकल चुके वहाँ से। क्या है कि मेरा टाइम तो हुआ था पर किलोमीटर्स नहीं हुए थे उतने, क्योंकि ये 1800 समथिंग किलोमीटर ही चला है। तो फिर मैंने बात की, भाई मैंने सुना था RPM वगैरह, तो मैंने इसका देखा, पहली इसका 1500 RPM ही है। जब नॉर्मल बाइक ऑन करते हो तो उस समय जो उसकी RPM होती है उससे भी फ़र्क पड़ता है, तो वो आई थिंक कम ज़्यादा पता नहीं ट्यूनिंग होती है शायद से इसकी। तो ये सही माइलेज शो करता है, यहाँ ऊपर भी मैं देख पाता हूँ कि हाँ भाई सही माइलेज शो कर रहा है। इस बार मैं इधर से जाऊँगा। अगर आप स्पीड कंट्रोल कर रखते हो या ट्राई करते हो कि सेम स्पीड में आप चल सको, तो ये बहुत सही माइलेज निकाल सकते हो डोमिनार से आप। मैंने हाईवे बहुत सही सही माइलेज निकाला है, यहाँ तक कि मैंने वहाँ पे 25 बोला लेकिन मैंने 30 अराउंड भी निकाल रखा है। ये शो कर देता आपको आप जिस स्पीड में, जिस गियर में, जैसे गियर शिफ्टिंग करते हो, जो भी गियर में चलते हो उसके अकॉर्डिंग। तो भाई अभी सर्विस तो हो नहीं पाई क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था सर्विस का, इसलिए मैं आ गया था। क्या पता आने पंगे करें कि भाई तुम आए नहीं, ये नहीं, टाइम निकल गया तुम्हारा, इतने किलोमीटर चले गए, पर मेरे किलोमीटर बहुत कम है तो इसलिए हुआ किया नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप अक्टूबर तक आओ, थोड़ा और चलाओ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी फिर मैंने इसकी टेस्टिंग करवाई भाई, और उसने राइड वाइड लिया, देखा, बोला कि अभी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला सही है भाई, टाइम टू टाइम चेक होना भी सही है यार, क्योंकि आप इन बाइकों को थोड़ा तेज़ी चलाते हो और आपको कोई अगर दिक्कत हो पता ना चले। भाई अभी मनीष के पास गया था मैं, और मनीष से थोड़ी बात हुई काफ़ी टाइम बाद, वो भी गांव गया हुआ था। तो अभी तो यार कुछ नहीं है, आज सर्विस भी नहीं हुई, इसको वॉश करवाना है तो इसको मैं वॉश करवा लूँगा, और मुझे एक चैन लूप लेना है तो मैं सोच रहा हूँ उसको लेने चलते हैं। और बस ये बहुत साउंड कर रहा है यार, इसको कुछ करना पड़ेगा, टाइट वाइट करना पड़ेगा या फिर इसको मैं चेंज ही करवाऊंगा। मार्केट में तो आ चुका हूँ भाई, मैं देखते हैं इसका चैन लूप या चैन क्लियर मिल जाए तो लेते हैं। भाई उसका चैन क्लीनर और चैन लूप चाहिए, छोटा वाला देना मेरे को। भाई यहाँ पे तो जो चाहिए था वो नहीं है। अबे यार सीट गर्म हो गई। तो भाई आज तो मेरा लग रहा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैन लूप और जो क्लीनर मैं ले रहा था वो ऐसे ही लोकल में ले रहा था, और मॉड्यूल के बोल रहे हैं कि जो मॉड्यूल का होता है वो आ नहीं रहा है। इसके बाद यामा लूप का है, तो भाई नहीं मिला,
और यार मैं कुछ और नहीं डालना चाहता, देखता हूँ, अगर मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना ही मैंने गूगल किया सर्च किया है, पर क्या होता है ना कि अगर आप कोई लोकल डाल दोगे ना फिर उसमें जंग लगनी स्टार्ट होती है गंदी वाली। अब देखूँगा मैं, अभी थोड़ा रिसर्च करूँगा। वैसे इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो, पर पता नहीं मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। अभी मैं इसे क्लीन करवाऊँगा जाके। तो भाई कोई काम नहीं हुआ, पर ये धुलवाने वाला काम कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है यार, ये पूरा भर चुका है, ये बहुत ज़्यादा फेंक रहा है भाई, मिट्टी बहुत ज़्यादा फेंक रहा है ये। मैं सोचता हूँ कि टायर हगर लगवा ही लूँ, बहुत ज़्यादा फेंक रहा है मिट्टी। ये नहीं होता ना तो भाई कोई बैठ नहीं सकता पीछे, इतना गंदा फेंक रहा है। तो भाई बाइक पूरा धुल चुका है सही से, और अभी मैं निकल चुका हूँ। तो भाई बाइक तो धुल चुकी है, इसको कवर मैं बाद में लगा दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला है ये, अब सही लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि नकल गार्ड और क्रैश गार्ड लगवा लूँ इसमें, तो उस पर देखेंगे।